नमस्कार, मैं काजल द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। बड़ा थाने में एक लड़की अपने परिजनों के साथ एक लड़के की रिपोर्ट कराने पहुंची। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की बल्कि परिजनों की रजामंदी के साथ थाने में ही सात फेरे कर विवाह संपन्न करा दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार बड़ा निवासी कुमारी प्रियंका अपने परिजनों के साथ मोहल्ले के ही एक लड़के सिद्धार्थ की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी। थाने में पहुंची एसआई बबीता चौधरी ने लड़की से उसके मन की बात जानी। लड़का वास्तव में परेशान करता है यानी इससे लड़की का अफेयर है यह समझकर, जिसके बाद बबीता चौधरी ने लड़की की माँ से बात की, जिस पर लड़की की माँ ने रजामंदी देते हुए कहा, यदि लड़का पक्ष शादी के लिए मान जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी के लिए लड़का पक्ष भी मंजूर हो गया। थाने में परिसर में ही मंदिर में लड़का लड़की के परिजनों के बीच लड़का लड़की की शादी विधि विधान से कराई गई। सागर से एसएन पटेल की रिपोर्ट। विवाह किया जा रहा है तो ये किस प्रकार हो रहा है? मैं चौकी दल पद पर मैं प्रभारी हूँ। टीआई बंडा श्रीमान जी ने मुझे फोन करके बुलाया कि आप आके यहाँ पे एक एफआईआर करनी है, क्योंकि यहाँ की महिला संबंधी अपराध सारे सब इंस्पेक्टर लेवल पे महिला अधिकारियों को देखा रहे थे। तो यहाँ पे आके मैंने देखा तो पहले मैंने कहा एक आध वेपन को बालिका से पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार की एफ आई आर कराना चाहती है, किस पर कराना चाहती है। तो पता चला कि कुमारी प्रियंका पिता हीरालाल बालवी, उम्र उसकी होगी 20 वर्ष के लगभग, बंडा की ही संजय नगर कॉलोनी की वार्ड 5 की है। तो उससे विस्तार से पूछा तो उसने कहा कि हमारा प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा है और बस परिवार वाले राजी नहीं है, और आज परिवार वालों ने थोड़ा देख लिया बातचीत करते हुए तो वो चाह रहे हैं कि एफ आई आर कराई जाए वरना हम अपने घर नहीं ले जाएंगे। तो फिर लड़की के माता पिता को बुला के समझाया, हमने कहा एफ आई आर तो हम कर भी देंगे लेकिन आप ये बताएं कि इस सिचुएशन में एफ आई आर करने के बाद फिर लड़की का भविष्य क्या रहेगा। तो कहने लगे कि यदि लड़की के साथ कुछ ऊँच नीच हो रही है तो उसको कैसे फिर निपटाया जाए। तो हमने कहा फिर आप बताएं सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो उन्हें कहा लड़के वाले शादी कर ले तो हम भी इसमें राजी हो जाएंगे। तो लड़के के माँ बाप को बुलवाया तो जो लड़के से प्रेम प्रसंग था उसका नाम सिद्धार्थ, पिता किशोरलाल बाल्मीकि, और वो भी बालिग था 21 वर्ष का। चूँकि लड़के लड़की दोनों ही बालिग हैं तो उसके माता पिता को बुलवाया, फिर लड़के को भी बुलवाया, तो दोनों ही पक्ष इवन लड़के लड़की दोनों ही तैयार थे। तो अच्छे से समझाइश दे के माता पिता पक्ष दोनों ही राजी हो गए, लड़का लड़की भी राजी हो गए, अन्य सब सगे संबंधी भी आ गए वो भी राजी हो गए, और लॉकडाउन चल रहा था इसलिए पुलिस संरक्षण में ही पुलिस प्रांगण में मंदिर में ही हम लोग पुलिस परिवार ने शादी का आयोजन। पहले जो वधु पक्ष जो था वो नाराज था। हाँ भाई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मतलब किस प्रकार से इस चीज को तय कर दिया? ये तो एक बहुत ज्यादा पहले मुश्किल जैसा लग रहा था क्योंकि लड़की भी माँ बाप के दबाव में आ चुकी थी और लड़की भी की भी उम्र 20 वर्ष के ही लगभग है, तो जैसा माता पिता बोलेंगे लड़की वैसा ही बोलने लगी थी। फिर हमने उसको बहुत अच्छे से पहले भरोसे में लिया, उसके माता पिता को भरोसे में लिया। हमने कहा हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसकी बच्ची का बहुत ही अच्छा भविष्य हो, वो भी एक जैसा माता पिता कन्यादान करके विदा करते हैं उसी प्रकार से उसका भविष्य तय हो। तो उनको हमने समझाया कि यदि आप शादी करेंगे अभी विवाह करेंगे तो भी वैसा ही आपको मान सम्मान वहाँ पर प्राप्त होगा। तो उनको अच्छे से समझाया, बारीकियों से समझाया कि एफआईआर करने से उसका पूर्ण रूप से निराकरण नहीं होगा जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। तो उनने कहा कि हाँ विवाह करने पर ही दोनों ही पक्षों के लिए ज़्यादा उचित रहेगा, इस प्रकार से गुरु राजी। पुलिस प्रशासन द्वारा कराया जाए विवाह में क्या ये दोनों संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल ही संतुष्ट रहेंगे क्योंकि अब तीसरा पक्ष पुलिस भी है, इस चीज़ का गवाह भी हो गया है। तो दोनों में से किसी परिवार को यदि दिक्कत आती है तो पुलिस परिवार हमेशा ही दोनों को सुनने के लिए राजी रहेगा और भविष्य में भी काउंसलिंग करता रहेगा और किसी प्रकार की दूसरी दिक्कतें नहीं आने वाली है। धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।